इस वीडियो में हम लोग अस्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड और अस्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के बारे में देखेंगे अस्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड थ्री पेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है फ्रॉम टोर्क इक्वेशन ऑफ थ्री पेज इंडक्शन मोटर टी डी टू के एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर तो यहाँ पे जो k है वो कॉन्स्टेंट है और जो s है वो स्लिप है e2 स्क्वायर जो है वो इंड्यूस्ड ई एम एफ है जो रोटर में इंड्यूस्ड होता है और जो r2 है यहाँ पे रेजिस्टेंस है रोटर का r2 स्क्वायर भी रेजिस्टेंस है और जो एस स्क्वायर x2 स्क्वायर है वो रोटर लीकेज रिएक्टेंस है ओके आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको लगेगा कि यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट तो जो इंडक्शन मोटर होता है वो लो स्लिप रीजन पे ऑपरेट होता है और एट लो स्लिप रीजन जो रेजिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट रहता है और जो रोटर लीकेज रिएक्टेंस है एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर ये निगलिजिबल हो जाता है कंपेयर टू रेजिस्टेंस नाउ इक्वेशन बिकम्स टी डी इक्वल टू के एस ई टू स्क्वायर अपॉन आर टू फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से जो यहाँ पे टी डी है वो ई टू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो टोर्क है वो रोटर में इंड्यूस्ड होने वाला ई एम एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी वहाँ पे जितना ज़्यादा ई एम एफ इंड्यूस होगा रोटर में उतना ही ज़्यादा टोर्क इंक्रीज होगा और जितना कम ई एम एफ इंड्यूस होगा टोर्क उतना ही कम लगेगा और जो ई एम एफ रहता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स रोटर को कट करेगा वहाँ पर उतना ज़्यादा ई एम एफ इंड्यूस होगा और जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड रहता है हम लोग जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा और उतना ज़्यादा फ्लक्स रोटर को कट करेगा सो वी कैन से इट इज डायरेक्टली proportional टू ई square स्क्वायर एंड ई proportional स्क्वायर b2 टू तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि हम लोग जितना ज़्यादा सप्लाई वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा और जितना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा टोर्क लगेगा और यहाँ पर जब सप्लाई वोल्टेज हम लोग कम देंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम बनेगा जिसके कारण जो ई टू स्क्वायर है ई एम एफ वो कम इंड्यूस होगा जब ई एम एफ कम इंड्यूस होगा तो टॉर्क भी रिड्यूस हो जाएगा ऑल्सो आई वुड लाइक टू शो द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर यू कैन सी इन दिस ग्राफ यहाँ पे वोल्टेज भी वन टू और भी थ्री है तो यहाँ पे वोल्टेज भी वन इज ग्रेटर देन भी टू एंड वोल्टेज भी टू इज ग्रेटर देन भी थ्री मतलब कि यहाँ पे जो भी वन है वोल्टेज भी वन वो भी टू और भी थ्री से बड़ा है तो उसमें सबसे ज़्यादा टॉर्क एक्ट हो रहा है इसके बाद भी टू को यहाँ पे देखते हैं वो भी से बड़ा है तो यहाँ पे भी से ज़्यादा टॉर्क भी टू पर एक्ट हो रहा है और इसके बाद भी थ्री जो है उस पर सबसे कम टॉर्क एक्ट हो रहा है मतलब जब हम लोग वोल्टेज को चेंज करेंगे तो वहाँ पे टॉर्क जो है वो भी चेंज होगा और जब टॉर्क चेंज होगा तो उसके कारण मोटर का स्पीड चेंज होगा तो इस तरह से हम लोग मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं उसके वोल्टेज को कंट्रोल करके थ्री फेज इंडक्शन मोटर में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ए रेगुलेटर का यूज किया जाता है इसमें इच फेज के लिए टू ए सी का यूज किया जाता है जो कि एंटी पैरल डायरेक्शन में कनेक्ट रहता है तो इस तरह से ए रेगुलेटर की हेल्प से वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल करते हैं उसके कारण थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड भी कंट्रोल हो जाता है स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर को थ्री फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो स्टेटर के बाइंडिंग के चारों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है द इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड इज गिवेन बाय n एस इक्वल टू वन ट्वेंटी एफ बाई पी वेर एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल्स जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के वाइंडिंग्स को कट करेगा तो वहाँ पर ये मे फंडस होता है जिसका इक्वेशन होता है 4.44 पॉइंट फोर फोर फाइव एफ के डब्लू टी वेर के डब्ल्यू इज द वाइंडिंग फैक्टर एंड टी इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स पर फेज सिंस वी नो सप्लाई वोल्टेज हम लोग जितना ज़्यादा देंगे तो स्टेटर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं फाइव इक्वल टू वी बाय फोर पॉइंट फोर फोर एफ के डब्ल्यू टी फ्रॉम दिस इक्वेशन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी मतलब कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा लेकिन जब हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा बनेगा जिसके कारण रोटर और अस्टेटर के कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स का सेचुरेशन होगा जिसके कारण वहाँ पे हाई करेंट फ्लो करेगा ड्यू टू तो हाई करेंट वहाँ पर जो वाइंडिंग किया हुआ है स्टेटर और रोटर में वो बर्न हो सकता है इसलिए जब फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेंगे तो एज वेल एज वोल्टेज को भी वी बाई एफ के रेशियो के साथ रिड्यूस करेंगे दैट्स वाई दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज भी बाई एफ कंट्रोल मेथड इंडक्शन मोटर में भी बाई एफ के रेशियो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग दो टाइप के मेथड्स का यूज करते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वेरिएशन बाय भी एस आई इसमें क्या होता है कि हम लोग थ्री फेज एसी सप्लाई रेक्टिफायर में देते हैं जो रेक्टिफायर रहता है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है इसके बाद उस डीसी करंट को हम लोग इन्वर्टर सर्किट में ले जाते हैं वहाँ पे फिर से वो डीसी करंट जो रहता है वो एसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है तो जो ये इन्वर्टर सर्किट रहता है वो थाइरेस्टर और स्विचिंग डिवाइस से कंसिस्ट होता है जहाँ पर हम लोग वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरह से भी बाई एफ के रेशियो को हम लोग कंट्रोल करते हैं भी एस आई का डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे कोगिंग आकर होता है कोगिंग क्या होता है जो रोटर और स्टेटर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है वो एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है जो मोटर रहता है वो रोटेट नहीं करता है वो रुक जाता है और जनरली ये प्रॉब्लम तब आकर होता है जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी सिक्स हर्ट्ज से कम रहता है तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक नया मेथड इन्वेंट हुआ दैट इज़ फ्रीक्वेंसी वेरिएसन बाय सी एस आई करेंट सोर्स इन्वर्टर के सर्किट में डिफ्रेंस पस इतना रहता है कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर सर्किट के बीच में हैवी इंडक्टर लगा हुआ रहता है और इस तरह से जब करेंट इन्वर्टर सर्किट में आता है तो वो एसी नेचर का हो जाता है और उसमें हम लोग वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं और वी वाई एफ कंट्रोल मेथड जो रहता है वो ऑपरेट होता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं और इस चैनल के साथ आगे भी बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स